ऑफ लाइट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 1856 के अंदर जेम्स क्लार्क जो मैक्सवेल थे स्टेटेड दैट द लाइट एक्सरे गामा रे एंड हीट, इन्होंने एक्सरे गामा रे लेकिन बीटा रे को कंसीडर नहीं किया यहाँ पे, हीट एटसेट्रा एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन और वेव एंड द एनर्जी इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। ये कंसिस्टेंटली एनर्जी एमिट करते रहते हैं और उस एनर्जी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, और इस दीज वेव आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है वेव्स हैं इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस वजह से इन वेव्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब किसी वेव को कैसे मेजर करते हैं, उसको सबसे पहले मेजर करते हैं वेवलेंथ से। दीज आर द क्रस्ट एंड ट्रफ, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच के जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। ये नीचे भी यहाँ से यहाँ भी क्या है वेवलेंथ, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा एंड मेजर इन मीटर। SI सिस्टम के अंदर इसे मीटर में मेजर करेंगे और CGS के अंदर सेंटीमीटर के अंदर मेजर करेंगे। वन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम किसके कुल होता है 10^-10 मीटर, और वन माइक्रोन 10^-6 मीटर। वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर एंड वन पीकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द साइकिल पर सेकेंड और सेक इनवर्स वन और हर्ट्स, हर्ट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। अब ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से फिर दूसरी साइकिल शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से फिर दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी और फिर ये 1 सेकेंड के अंदर ये कितनी साइकिल कर रहा है उसको बोल लेंगे फ्रिक्वेंसी। अब वेव नंबर, वेव नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ, अगर ये मीटर के अंदर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा m^-1 और CGS के अंदर cm^-1। रिलेशन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ के अंदर, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू मतलब वेव लेंथ, ये वेव नंबर आ गया और वेव लेंथ आ गया, इट इज इक्वल टू स्पीड एंड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेव लेंथ और द फ्रिक्वेंसी, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये जो हमने एक यहाँ पे दे रखा है CGX, UV, IMR, सीमेंस, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड द रेडियो वेव। और इस डायरेक्शन में आपकी क्या है वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, मतलब ये वाली वेवलेंथ आपकी बढ़ती जा रही है। प्लैंक नंबर थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।